गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर क्लास। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 12, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट इट मींस ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 5, 8, 7, एंड वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके, जैसे कोई भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं इक्वेशन में, एक्स वाई जेड टी क्यू कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट। ओके, दैट इज वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। दैट आर कंबाइंड, वो कंबाइंड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 7x² - 9x + 8, यहाँ पे जो 7, 9 एंड 8 है ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, और वेरिएबल्स यहाँ पे x यूज हुआ है हमारा, इट मींस x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो वो वैल्यू फिक्स नहीं है। और ये किस तरह से सेपरेट है या कंबाइंड है? बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, हम इन्हें 3 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3। तो ये किससे सेपरेट है? माइनस एंड प्लस साइन से। ओके, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें आपको टर्म फाइंड आउट करनी है एंड देयर कोएफिशिएंट। ओके, फर्स्ट पार्ट इज 4x + 5, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसमें टर्म्स कितने यूज हुए हैं? 2, 4x एंड 5, हमने कोमा राइट करके लिख दिया। देन कोएफिशिएंट, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर है दैट इज कोएफिशिएंट, सो हियर 4। ओके, 5 तो कांस्टेंट है, सो 4 इज द कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पार्ट 7x² - 12x + 8, तो आपने जो भी प्लस या माइनस के साइन है ओके वहां पे आपने कोमा लगा देनी है, तो आपकी टर्म्स कौन-कौन सी हो गई? 7x² - 12x, 8। जहां भी प्लस साइन है तो वो प्लस आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट जहां भी माइनस साइन है वो आप जरूर मेंशन करेंगे। ओके, एंड यहां कोएफिशिएंट क्या हो गए? एक्स आपकी 2 टर्म्स में है, 7x² - 12x, यहां पे कोएफिशिएंट क्या हो गए? 7 एंड -12। नेक्स्ट पार्ट, यहां पे टोटल 3 टर्म्स यूज हुए हैं, 1, 2 एंड 3, तो इन्हें आप कॉमास में ऐड कर देंगे एंड देयर कोएफिशिएंट 5 - 3, एंड यहां आपका कोई नंबर मेंशन नहीं है तो आप राइट करेंगे 1। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1, 2, 3। ओके, 3 टर्म्स हैं, कॉमा में हमने राइट कर दिया एंड देयर कोएफिशिएंट 9, 7 एंड 12। नेक्स्ट पार्ट, x / 2 - y / 2 + z / 3, टोटल 3 टर्म्स आ गया, हमने कॉमास में राइट कर लिया, जहां भी नेगेटिव साइन है वो आप मेंशन करेंगे एंड देयर कोएफिशिएंट। अब यहां पे कोएफिशिएंट क्या होगा? x / 2, तो हम इसमें क्या राइट करेंगे? 1/2, ऐसे यहां -1/2 एंड हियर 1/3। ओके, दीज आर द कोएफिशिएंट। योर सेकंड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये भी आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ है। मोनोमियल्स द एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली वन टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ओके, सो हियर फर्स्ट पार्ट इज 2x, यहां कितनी टर्म्स है? ओनली वन टर्म, सो इट इज मोनोमियल। सेकंड 1, 2, 2 टर्म्स आर देयर, सो इट इज बाइनोमियल। थर्ड 2/3x² - 7/8y, टोटल 2 टर्म्स आ गया, सो इट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट वन 1, 2 एंड 3, टोटल 3 टर्म्स आ